लोग कहते हैं कि कृष्ण जी ईश्वर हैं, चमत्कार करते हैं। अरे चमत्कार करते हैं तो जो सामने सेना खड़ी थी, जो सामने राजा खड़े थे, जो दुश्मन खड़ा था, उसके दिमाग में परिवर्तन क्यों नहीं किया चमत्कार से? उनके दिमागों को चेंज कर देते हैं उनको। आप लोग सवाल करोगे कि परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर ने धर्म का परिवर्तन क्यों किया? हिंदू धर्म में क्या बुराई थी जो उसको छोड़ा, और बौद्ध धर्म में क्या अच्छाई थी जो उसे अपनाया? वो जो लेडी वो कहती है कि आरक्षण ने मेरी बेटी को मार दिया, उसने कभी रामायण पढ़ी? नहीं पढ़ी। भगवान राम भगवान थे, ईश्वर थे, तो उन्होंने एक सूत्र का इस बात पर बद्ध क्यों किया कि वह शिक्षा ले रहा है और शिक्षा दे रहा है? क्या राम ये क्यों पूछ रहे हैं? अगर राम भगवान हैं तो वो ये क्यों पूछ रहे हैं कि तेरी जाति कौन सी है, तेरा गोत्र क्या है? क्योंकि उनके धर्म शास्त्र किसी भी सूत्र को शिक्षा लेने की इजाजत नहीं देते। वो पानी पीने से कौन रोक रहा है? वो बाल काटने से कौन रोक रहा है? और जब बैरिस्टर बनकर जब वापस आए तो वडोदरा रियासत में जब उनको नौकरी मिली तो वहां पर नौकरी करने से किसने रोका? कौन लोग थे वो? क्या वो मुस्लिम लोग थे? क्या वो ईसाई लोग थे? क्या वो सिख लोग थे? क्या वो किसी और दुनिया के लोग थे? क्या वो इसी दुनिया और इसी देश के लोग नहीं थे? क्या वे हिंदू धर्म कहे जाने वाले लोग नहीं थे? अभी मुझसे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं थे बल्कि विचार थे। लेकिन क्या है, इस विचार को सोचने और समझने की शक्ति इस देश के लोगों में है? मैं जब ये सोचता हूँ तो बड़ा ही उथल पुथल से भर उठता हूँ। आखिर वे कौन लोग हैं जो इस देश में परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करते हैं या विरोध करना चाहते हैं? आखिर क्यों? आखिर परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसी कौन सी बात उन लोगों के खिलाफ कही जिसके लिए वो परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विरोध करने चाहते हैं? आज तक मेरे कानों में ऐसी कोई भी बात मुझे सुनाई नहीं दी है कि जिसमें ऐसा लगा हो कि परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के किसी भी जाति, किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति के लिए उसके खिलाफ कोई बात कही हो। किसी के हित में तो बात कही होगी, लेकिन किसी के खिलाफ एक बात भी नहीं कही। जिस व्यक्ति ने कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं कही, कभी किसी के नुकसान करने की सोची नहीं, उसका इस देश में लोग विरोध क्यों करना चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता। अब किसी एक जाति वर्ग के लिए परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कोई उत्थान का कार्यक्रम चलाया तो उसमें बुराई क्या है? जब अन्य लोग सब कुछ देखते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कुछ लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन वो उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको समझा नहीं रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे हैं, तो ऐसे में अगर परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हुए और उन्होंने उन लोगों के उत्थान का कार्यक्रम शुरू किया तो इसमें बुराई क्या है? मुझे एक घटना याद आती है, वह घटना है गांधी जी की। गांधी जी यहां से साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका गए तो उनको ट्रेन में अंग्रेजों ने धक्का देकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया, उनकी पिटाई भी कर दी, और वहां अपनी पिटाई से इतना आहत हुए कि उन्होंने जो गोरे और काले का जो भेद होता था, पूरी दुनिया में जो गोरे और काले का भेद था, उसके खिलाफ वहां पे मुहिम छेड़ दी, वहां पे सत्याग्रह का आंदोलन कर दिया, और उस सत्याग्रह के आंदोलन से बड़े प्रसिद्ध हो गए। जब वापस भारत आए तो उन्हें एक आंदोलन का नेता के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन वही गांधी, वो कैसे गांधी थे, कैसे सत्याग्रही थे, कैसा सत्य पर आग्रह करने वाले थे, जिनको इस देश के अछूतों पर होने वाले अत्याचार दिखाई नहीं दे रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है कि गांधी जी ने जब से वो पैदा हुए इस देश में, बड़े हुए, बैरिस्टर बनने के लिए लंदन गए, तब तक उन्होंने इस देश में किसी भी दलित पर अत्याचार होते हुए नहीं देखा? क्या ऐसा हो सकता है? क्या उन्होंने जरूर देखे होंगे, उन्होंने इतने अत्याचार होते हुए भी देखे, लेकिन उन्हें कभी उसका विरोध नहीं किया। आखिर क्यों विरोध नहीं किया? अभी मैंने एक औरत को यह कहते हुए सुना कि उसकी लड़की यूक्रेन गई थी डॉक्टरी की पढ़ाई करने, और वहां पर उसका मर्डर हो गया, एक तरह से युद्ध में मारी गई उसमें। तो वह बोलती है कि अगर आरक्षण इस देश में ना होता तो आज मेरी बेटी जिंदा होती। अब सोचने वाली बात है कि आरक्षण ना होता तो उसकी बेटी जिंदा होती, इसका मतलब यह है कि आरक्षण एक बुरी व्यवस्था है। इस पर चिंतन मनन किए बगैर कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है तो मैं ये समझता हूँ कि वह ना समझ है। वह उसी प्रकार से ना समझ है जैसे एक माँ
अपने बेटे को कहती है उसकी सेहत को ध्यान में रखते हुए कि बेटा खीर खा ले, और वो बेटा कहता है, मुंडी लाता है कि नहीं मुझे खीर नहीं खानी है। वो माँ जिद करती है बेटा खीर खा ले नहीं तो भूखा रह जाएगा, तेरी सेहत खराब हो जाएगी। बार बार कहने पर वो हाँ कर देता है कि ठीक है माँ मैं खीर खा लूंगा, लेकिन मेरी शर्त है कि मैं अपनी ही कटोरी में खीर खाऊंगा। अपनी ही कटोरी में खीर खाएगा, चल कोई बात नहीं ले अपनी कटोरी में खीर खा ले। फिर मुंडी लाता है कि मैं ये खीर नहीं खाऊंगा। फिर वो कहती है कि क्या हुआ, अब तो तेरी कटोरी में खीर है। वो कहता है कि इसमें कुछ काला काला पड़ा है। अब वो काला काला जो है कोई खराब चीज नहीं है, उसकी सेहत के लिए अच्छी चीज है, इलायची हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन माँ ने जानबूझ के डाला है, उसकी सेहत के लिए डाला है। लेकिन जब बेटा कहता है कि ना मुझे ये पसंद नहीं है, तो माँ उस इलायची को भी निकाल के बाहर कर देती है, ले बेटा आप तो खीर खा ले। मतलब बेटा जो है वो बातों को समझता नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसा ही हाल आज हमारे देश में ऐसे ना समझ लोगों का है, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समझते नहीं है और बिना समझे ही कुछ भी टिप्पणी कर बैठते हैं। अब आज अगर हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर एक विचार थे तो वो विचार था क्या, किस बात का विचार है, किस बात को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को एक बात कही थी। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसी तरह के एक मंच पे, जिसमें आगे लाखों की संख्या में भीड़ थी, वहां पर कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। अब ये बात जो लोग उस बच्चे की तरह आग्रही हैं, दुराग्रही हैं, जब वे लोग इस बात को सुनते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है और वे लगते हैं अम्बेडकर की आलोचना करने के लिए। बिना पूछे बिना जाने कि आखिर अम्बेडकर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म में पैदा हुए लेकिन वे हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश और इस दुनिया में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा और किसी अन्य धर्म को अपनाया। उससे पहले हिंदू धर्म को चलाने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। उदाहरण के लिए अभी हमारे पीछे समकालीन केदारनाथ पांडे जी, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल सांकर तयन किया, उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ा। बहुत सारे ब्राह्मण, नागार्जुन, दिग्नाग, नागसेन, जितने भी पहले जितने भी बौद्ध धर्म में बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु हुए, वो सभी ब्राह्मण थे, सब पहले हिंदू थे। हिंदुओं के उन्होंने धर्म शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, सब कुछ पढ़कर उनको जानकर समझकर फिर बौद्ध धर्म के भी ग्रंथों का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। जब उसके बीच में तुलना की, कंपेरिजन किया, और जब ये जान लिया कि ये चीज सही नहीं है, ये वाली चीज सही है, तो उन्होंने उसको छोड़ा, उसको अपना लिया। कपड़े भी तो हम ऐसे करते हैं, जो कपड़े हमें पसंद नहीं होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, या जो कपड़े हमें फिट नहीं बैठते हैं उनको छोड़ना पड़ता है, फिर हमें नए कपड़े सिलवाने पड़ते हैं जो हमें पसंद हो, जो हमें फिट हो जाएं अपने फिटनेस के हिसाब से। तो इसमें बुराई क्या है? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कोई पैदा होते ही हिंदू धर्म नहीं छोड़ दिया, कोई नादानी में हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, वो बड़े हुए, बड़े होने के बाद वे विदेशों में पढ़ने गए, तमाम तरह की शिक्षाएं उन्होंने हासिल की, बड़ी बड़ी शिक्षाओं को हासिल करने के बाद, बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल करने के बाद भी जब वे अपने देश में वापस आए तब भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जो एक आम इंसान को सम्मान मिलना चाहिए। बचपन में जब उनको बाल काटने की बात हुई, जब वो नाई के पास गए कि भाई मेरे बाल काट दो, वो भैंस के बाल काट रहा था, तो उसने बाबा साहब के बाल काटने से इनकार कर दिया। तो बाबा साहब कहते हैं कि भाई तुम भैंस के बाल काट सकते हो, मेरे बाल क्यों नहीं काट सकते? तो बोलता है कि मैं भैंस के बाल काटूंगा पर तेरे बाल नहीं काटता, जा छूट भाग जाए से। हद हो गई। जब स्कूल में गए तो वहां पर मई जून जो भी, तो अप्रैल चल रहा है, इसके बाद मई जून की गर्मी आएगी, उसमें कितनी प्यास लगी हो, बहुत जोर से प्यास लगी हो बच्चे को जो है, और वह चपरासी ना आया हो जो कि ऊपर से पानी डालता था, पानी पीते थे, पूरे दिन प्यास रहना पड़ता था। वो पानी पीने से कौन रोक रहा है, वो बाल काटने से कौन रोक रहा है? और जब बैरिस्टर बन के जब वापस आए तो वडोदरा रियासत में जब उनको नौकरी मिली तो वहां पर नौकरी करने से किसने रोका? कौन लोग थे वो? क्या वो मुस्लिम लोग थे? क्या वो ईसाई लोग थे? क्या वो सिख लोग थे?
क्या वो किसी और दुनिया के लोग थे? क्या वो इसी दुनिया और इसी देश के लोग नहीं थे? क्या वे हिंदू धर्म कहे जाने वाले लोग नहीं थे? क्यों रोका उन्होंने? आखिर उनकी क्या मजबूरी थी? उन्होंने इसलिए रोका क्योंकि उनके धर्मशास्त्र उनको इस बात के लिए कहते थे, उनको इस बात के लिए रोकते नहीं थे बल्कि उनको इस बात के लिए कहते थे कि अंबेडकर को पानी नहीं पीना चाहिए, अंबेडकर के बाल नहीं काटे जाने चाहिए, अंबेडकर को नौकरी नहीं करनी चाहिए। वो इस बात के लिए रोकते थे और ये हिंदू धर्म शास्त्र कहते थे। अब कई बार लोग जिरह करते हैं, बहस करते हैं, आज देश में जो है हिंदू धर्म के आधार पर सरकार भी है, लेकिन मैं पूछता हूँ, बहुत से लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपने रामायण पढ़ी है क्या? किसी ने रामायण पढ़ी है? यहाँ पर कितने लोग रामायण पढ़ी है? रामायण कितने लोगों ने पढ़ी है? रामायण पढ़ी होगी भी आपने तो रामचरितमानस पढ़ी होगी, और रामचरितमानस पढ़ी होगी तो उस पर ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, और वाल्मीकि रामायण तो आपने पढ़ी नहीं होगी। अब वाल्मीकि रामायण में एक शंबूक वध का एक प्रकरण है। शंबूक ऋषि है जो कि जंगल में तपस्या कर रहा है और बहुत घोर तपस्या कर रहा है। वहां पर राम पहुंचते हैं और देखते हैं कि भाई इतनी घोर तपस्या तो कोई बहुत बड़ी जाति का व्यक्ति कर सकता है, कोई ब्राह्मण होगा। जाकर उसको नमन करते हैं कि हे तपस्वी, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप किस वंश से हो, ये पूछते हैं। अब राम ये क्यों पूछ रहे हैं? अगर राम भगवान हैं तो वो ये क्यों पूछ रहे हैं कि तेरी जाति कौन सी है, तेरा गोत्र क्या है? क्योंकि उनके धर्म शास्त्र किसी भी शूद्र को शिक्षा लेने की इजाजत नहीं देते। ये मैं नहीं कह रहा, ये वाल्मीकि रामायण कह रही है, और वाल्मीकि रामायण कह रही है और मैं नहीं कह रहा हूं तो वो कभी भी आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, किसी को रोका नहीं गया है। और वहां पर जब राम को ये पता लगता है, जब शंबूक अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि हे राम, मैं शूद्र शंबूक हूं, मेरी जो जाति है वो शूद्र है, तो इस पर राम विचलित हो उठते हैं, क्रोधित हो उठते हैं कि अरे इतना बड़ा जुलूम, धर्म शास्त्रों ने ये कहा है कि शूद्र को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है, और तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो और यहाँ उपदेश भी दे रहे हो, शिक्षा ली और लोगों को बांट भी रहे हो शिक्षा को, जो है ये तो बहुत घोर अन्याय है धर्मशास्त्रों के साथ में। जब उन्होंने ये देख लिया, जान लिया कि ये तो शूद्र है, तुरंत तलवार म्यान से निकाली और शंबूक का सर धड़ से अलग कर दिया। अब बताइए, अगर भगवान राम भगवान थे, ईश्वर थे, तो उन्होंने एक शूद्र का इस बात पर बद्ध क्यों किया कि वह शिक्षा ले रहा है और शिक्षा दे रहा है? क्या अपराध किया? महाभारत में हम पढ़ते हैं, एकलव्य का प्रकरण पढ़ते हैं ना, तो गुरु द्रोणाचार्य हैं, उसका अंगूठा मांगते हैं। अरे गुरु द्रोणाचार्य ने किस बात की वो गुरु दक्षिणा? तो गुरु दक्षिणा कब दी जाती है? जब कोई शिक्षा दे और उस शिक्षा को लेकर आदमी तैयार हो जाए और कहे कि हाँ वास्तव में आपकी शिक्षा लेकर मैं तैयार हो गया हूं। अब गुरु द्रोणाचार्य स्वतः अपने आप से मना करते हैं कि मैंने तो आपको शिक्षा दी नहीं। तो गुरु द्रोणाचार्य किस मुंह से उससे अंगूठा मांगते हैं और क्यों मांगते हैं? सिर्फ इस बात से कि एकलव्य शूद्र है। अब ये कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो महाभारत है बाबा साहेब ने नहीं लिखी, मैंने नहीं लिखी, ये जो है कि हम बनावटी बातें कर रही हूँ। वो जो लेडी वो कहती है कि आरक्षण ने मेरी बेटी को मार दिया, उसने कभी रामायण पढ़ी? नहीं पढ़ी। अभी नौराते चल रहे थे तो नौरातों में देश में एक भूचाल सा आया कि नौरातों में मांस की बिक्री नहीं होगी, और मनुस्मृति क्या कहती है? मनुस्मृति कहती है कि किस पशु का मांस खाया जाना चाहिए, किस पशु का मांस किस तरह खाना चाहिए, उसकी पूजा करे खाना चाहिए या क्या करना चाहिए, सब लिखा हुआ है। तब बताइए, अरे भाई आपने अगर मांस को, चलो अब जागरूक हो गए हो आज के जमाने में, आप पढ़ गए हो, समझ गए हो, और आप मांस खाना बंद करना चाहते हो, तो 9 दिन के लिए क्यों, पूरी जिंदगी भर के लिए बना करो ना आप। जैसे ही 9 दिन पूरे होंगे उसके बाद उस मांस पर टूट के पड़ेंगे। ये कौन सा धर्म है, ये कैसी संस्कृति है, ये समझ से बाहर है। जब ऐसी उथापो भरी संस्कृति, ऐसा उठपटांग धर्म जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अच्छी तरह से उसका अध्ययन कर लिया, तो वे मजबूर हुए और 13 अक्टूबर 1935 को ये बला की धरती से उन्होंने यह घोषणा की लाखों अनुयायियों के सामने कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। कोई ऐसे ही नहीं कर दिया, उस बच्चे की तरह नहीं,
उस बच्चे की तरह तो वो लोग हैं जो समझने का प्रयास नहीं करते हैं। आज भी अगर बाबा साहेब की बात को किसी भी जाति का व्यक्ति समझ ले तो उसका भी तो उद्धार होगा। बाबा साहेब ने जो नारा दिया, वैसे तो दो नारे हम सुनते हैं, बाबा साहेब ने इंग्लिश में कहा था कि एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। अब हिंदी में उसको लोगों ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। दोनों उल्टे हैं, लेकिन अलग भी देख लें तो शिक्षित बनने के लिए जो कहा है, किसको कहा है? क्या उसमें लिखा है कि सिर्फ शूद्र समाज को मैं बोल रहा हूँ शिक्षित बने? क्या दूसरे लोगों के लिए नहीं है? क्या ब्राह्मण लोग शिक्षित बनेंगे तो उनसे पाप हो जाएगा? बाबा साहेब की ऐसी कौन सी बात है जो दूसरे लोगों को रोकती है? बाबा साहेब का ऐसा कौन सा विचार है जो दूसरे लोगों को रोकता है? जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1935 में हिंदू धर्म छोड़ दिया तो उन्होंने कोई दूसरा धर्म अपनाना था, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कार्ल मार्क्स के विचार से इत्तफाक नहीं रखते थे। कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म अफीम का नशा है, तो उसने कहा धर्म अफीम का नशा है। बाबा साहेब ने उसको समझा, सोचा, तो बाबा साहेब ने धर्म का त्याग नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, इस दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को मान सम्मान की जिंदगी जीनी है तो उसके लिए उसका नैतिक आचरण होना बहुत जरूरी है, उसका नैतिक उत्कर्ष होना बहुत जरूरी है, और नैतिकता सिर्फ और सिर्फ धर्म से आ सकती है। इसीलिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, और वो भी कोई अकेला नहीं किया, वो लाखों की संख्या में लोग थे वहाँ पे, 7 से लेकर 10 लाख के बीच में वहाँ पे संख्या थी, इतने लोगों के बीच में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अब 1935 में धर्म का त्याग करते हैं हिंदू धर्म का, और 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, बीच में कितना समय हुआ? 21 साल का। ये 21 साल क्यों लगे एक धर्म को बदलने में? 21 साल लग गए। अगर आज हम किसी धर्म का परिवर्तन करना चाहें, कोई हिंदू मुसलमान बनना चाहे, कोई मुसलमान हिंदू बनना चाहे, कितनी देर लगती है? आज सोचा और कल जाके मंदिर मस्जिद में गया और धर्म बदल लिया। लेकिन बाबा साहेब को 21 साल लगे। 21 साल इसलिए लगे कि आप लोगों के बीच में जब ये विचार आएगा तो आप लोग सवाल करोगे कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म का परिवर्तन क्यों किया? हिंदू धर्म में क्या बुराई थी जो उसको छोड़ा, और बौद्ध धर्म में क्या अच्छाई थी जो उसे अपनाया? तो इस बात का जवाब खोजते खोजते बड़ी मेहनत से उन्होंने पूरे त्रिपिटक के जितने विकराल साहित्य को पढ़ा, उसका अध्ययन किया, और उसमें से एक किताब भी लिखी जिसे बुद्धा एंड इस धम्मा कहते हैं, बुद्ध और उनका धम्म। बड़ी मेहनत से तैयार की, क्योंकि ईसाइयों के पास अपनी बाइबल है, हिंदुओं के पास गीता है, सबके पास अपनी कोई ना कोई पुस्तक है जिसमें कि संक्षेप में उनके धर्म के तत्व हैं। इसी तरह से बौद्धों के पास कोई ऐसी किताब नहीं थी, विकराल साहित्य को किसी के पास पढ़ने की क्षमता नहीं थी, कोई पढ़ नहीं सकता था। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद उस किताब को पूरा किया अपनी जिंदगी के रहते, और ये किताब लेकिन उनके मरने के बाद ही प्रकाशित हो पाई। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ा, वो मैंने आपको बताया, लेकिन बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, ऐसी क्या बातें हैं? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बुद्ध के धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि सिर्फ बुद्ध ही कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्म, अच्छे कर्मों का करना, और अच्छे और गलत काम को, उसके बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, उसका संचय करना, यही धर्म है। क्या इस परिभाषा से इस दुनिया का किसी भी धर्म का व्यक्ति इनकार कर पाएगा? क्या कोई कर सकता है क्या कि अच्छे काम नहीं करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए और अच्छे काम करने चाहिए? कोई भी इनकार नहीं करेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुनिवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो वे तेजनंग, कि जो चित्त है, मन जिसे आप लोग समझते हो, वो चंचल है, चपल है, वह क्षणिक है, वह दुरक्ष है, बहुत बड़ी जल्दी से इधर से उधर हो जाता है, उसकी रक्षा बड़ी मुश्किल से होती है। अब उसकी बड़ी मुश्किल से रक्षा होती है तो उसकी रक्षा करने वाले कौन हैं? वे मेधावी पुरुष हैं। वो उसी प्रकार के मेधावी पुरुष हैं जिस प्रकार से कि एक बाण को सीधा करने वाला व्यक्ति बाण को सीधा करता है, इसी तरह से वो मेधावी पुरुष अपने चित्त को संयमित करता है, कंट्रोल में रखता है। कोई मामूली बात कही बुद्ध ने? ऐसी बात अभी आपने सुनी है क्या? बुद्ध आगे क्या कहते हैं? बहुत सारी बातें हैं, मैं कुछ बातें आपको कह कर, क्योंकि आपका भी समय कीमती है, गर्मी पड़ रही है, मैं सिर्फ संक्षेप में बताना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया, इसके कारण मैं गिनाना चाहता हूं।
तो बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि ना ही वेरेन वेरा ने संबंधित उदाचनंग अवेरेन चै संबंती ऐस धम्मो सनतनो, यानी कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता। होता है कभी कभी वैर से कभी वैर शांत होता है क्या? आप किसी को गाली दो तो पलट कर वो आपको गाली दे तो आपका जो क्रोध है वो शांत होगा या और उबलेगा? और उबलेगा ना। तो बुद्ध कहते हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता और अवैर से ही वैर शांत होता है। आपको किसी ने गाली दी और आपने गाली नहीं दी, तत्क्षण आपने उस वैर को रोक दिया। ये बुद्ध का जो नियम है ये सनातन है, हमेशा हमेशा अपने रखने वाला है। कहीं भी चले जाइए, किसी भी काल में जाइए, किसी भी देश में जाइए, ये नियम बदलता नहीं है। लेकिन इस देश के लोग जिस संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं वो संस्कृति क्या कहती है? गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम किन लोगों को मारने से बच रहे हो? तुम जिनको मारने से रुके हुए हो, जिनकी हत्या नहीं करना चाह रहे हो, तुम जिन्हें अपना रिश्तेदार कह रहे हो, वो लोग पापी हैं, उन्होंने पाप किया है, और तुम इन्हें मार भी दोगे तो उनके शरीर ही तो मरेंगे, उनकी आत्मा तो मरने वाली नहीं है। अब बताइए, अब पाप किसने किया? शरीर ने किया या आत्मा ने किया? पाप तो आत्मा ने किया। अब दंड किसको मिलेगा? आत्मा तो मरेगी नहीं, उसे तो ना दुख होगा ना दर्द होगा, कुछ नहीं होगा। अब कृष्ण जी क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। अब कृष्ण जी किसी को मारने के लिए कह रहे हैं, सुधारने के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी का मानना है कि वो सुधार नहीं सकते। अब जो सामने लोग हैं वो कौन है? वो बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, उनकी शिक्षा हुई है, दीक्षा हुई है, स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, गुरुकुल गए हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनके बुद्धि का विकास हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो भगवान बुद्ध के सामने कौन है? अंगुलीमाल है, कोई शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है, जंगल में रहने वाला व्यक्ति जिसने अहिंसा कभी सुनी नहीं और हिंसा से उसका रोम रोम भरा हुआ है, हिंसा ही हिंसा जानता है। उसको मारने के लिए भगवान बुद्ध नहीं जाते हैं, निहत्ते बिल्कुल जंगल में जाते हैं और निहत्ते जाकर उस अंगुलीमाल को सुधार कर उसके चित्त में परिवर्तन करके उसको वापस लाकर उसको भिक्कू बनाते हैं। ना केवल भिक्कू बनाते हैं बल्कि उसको एक अर्हत भिक्कू बना देते हैं। बताइए कितना बड़ा फर्क है। लोग कहते हैं कि कृष्ण जी ईश्वर हैं, चमत्कार करते हैं। अरे चमत्कार करते हैं तो जो सामने सेना खड़ी थी, जो सामने राजा खड़े थे, जो दुश्मन खड़ा था, उसके दिमाग में परिवर्तन क्यों नहीं किया चमत्कार से? उनके दिमागों को चेंज कर देते हैं, उनको मारने जरूरत नहीं पड़ती। ये कंपैरिजन करके बता रहा हूं कि बुद्ध में और दूसरे लोगों में क्या फर्क है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि अकोची मंग अवधि मंग अजिनी मंग ये चैतंग ने उपनहंती विरंग ते संग ने सम्मति। यानी कि उसने मुझे मारा, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसने मुझे जीत लिया, उसने मुझे डांटा। जो इस प्रकार की बातों को अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। ये बुद्ध कह रहे हैं। लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? दूसरे लोग क्या कह रहे हैं कि उसने मुझे मारा, ओहो उससे बदला लेना पड़ेगा, उसको सबक सिखाना पड़ेगा। आज ऐसी संस्कृति हमारे दिमाग में डेवलप कर दी गई है और ऐसी संस्कृति डेवलप हो गई है तो हमारा जो आचरण है वो अशुद्ध हो गया है, हम शुद्धता से भाग रहे हैं। बुद्ध जो कह रहे हैं वो किसी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो दूसरे लोग कह रहे हैं उसको कोई भी समझने के लिए आज तैयार नहीं हो सकता। तो ये जो मैंने मूल अंतर बताया है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि से बौद्ध धर्म को क्यों ग्रहण किया, ये मैंने कुछ कारण बताए हैं जिनको आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर गहन चर्चा करनी हो तो कभी भी मुझे बुलाएं, मैं तुरंत आऊँगा और आप लोग चर्चा करूँगा। मैं अपने इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात को विराम देता हूँ। बातें तो बहुत सारी करने के लिए थी लेकिन समय को मैं समझ रहा हूँ, गरीबी भी हो रही है और भी वक्ता हैं, तो इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।